ठीक है, जब ये वाला केस आता है तो हमने यहाँ पे सेक्शन ब्रेन बनाया हुआ है और इसको हम अगर प्रोजेक्ट कर रहे हैं वर्टिकली इस तरह से, तो सारी जो जनरेटर लाइंस हैं जहाँ जहाँ पे वो कट हो रही हैं वहाँ पर हमें पॉइंट्स मिलते जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ से एक जनरेटर लाइन बनाते, एक जनरेटर लाइन अगर हमारी यहाँ पे बनी होती, तो ये जो पॉइंट है हमें एंड पॉइंट पे मिलता इस जगह पे। एक किसी को बोलना पड़ेगा, वो एक किसी ने क्वेश्चन पूछा था व्हाट्सएप पे, आई डोंट रिमेम्बर हर नेम, क्या नाम है, सर हाँ तो आपका हो गया था ये वाला क्वेश्चन। जो ऊपर फ्रंट व्यू बन रहा था बस वो मुझे नहीं आ रहा था, मैंने कट कर लिया था। हाँ, तो जब सेक्शन आप कट कर लेंगे तो फिर जहां जहां पे ये जैसे इस पॉइंट पे कट किया तो यहाँ पे एक जनरेटर लाइन बनानी पड़ेगी। तो एक जनरेटर लाइन अगर हम यहाँ पे बना देते हैं, हालांकि वो क्योंकि लास्ट पॉइंट पे आ रहा है तो इट मेक्स आई मीन नो डिफरेंस कि आप यहाँ पे सीधे सीधे पॉइंट बेस पे बना दीजिए, राइट? ये जो यस पॉइंट है सर, जहाँ पे कट हुआ, ये बेस पे कट होगा या नहीं होगा, यस और नो? आप ये वाला पॉइंट लोकेट कर पा रही हैं? यहाँ पे अगर मैं पॉइंट लिखने की कोशिश करूँ, थोड़ा सा मैं ये भी कहूंगा कि आप लोग आपस में भी डिस्कस करा करिए, बिकॉज ऐसा नहीं है कि सब कुछ, अगर आप आपस में डिस्कस करके भी कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं, बिल्कुल ही ना सॉल्व हो तो आई एम देयर, बट कुछ चीज़ें आप आपस में अगर डिस्कस भी कर लेंगे तो भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं। सो एक्चुअली मैंने किया था बट किसी को ऐसे कन्फर्मली किसी को नहीं आ रहा, तो फिर मैंने आपसे पूछा। नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, आई एम जस्ट इन्फॉर्मिंग यू। तो ये पॉइंट ए आप लोकेट कर पाएंगे? ये पॉइंट एंड पे है एंड जहाँ पे भी ये कट कर रहा है वो बिल्कुल बेस पे होगा, एम आई करेक्ट और नॉट, यस सर, राइट? उसके बाद हमें और दूसरा लाइन यहाँ पे ये पॉइंट मिल रहा है, ये पॉइंट हमारा, अगर मैं इसको बीच में ओ ओ इसको बोलता हूँ जनरेटर लाइन को, या बीच में जो इसका एपेक्स है उसको मैं अगर ओ बोल रहा हूँ, तो यहाँ पर भी ओ ये एपेक्स है, तो जो हमारा सेक्शन लाइन है वो O7 को इस पॉइंट पे कट करिए। इसको इस पॉइंट को अगर मैं यहाँ पे नॉमेनक्लेचर देना चाहूँ, बी बी नॉमेनक्लेट कर देता हूँ, और इस जगह पर जब हम वापस जाते हैं तो O ये पॉइंट है, 7 ये है, O पॉइंट को ये यहाँ पे कट करिए। इसको मैं कलर अलग कर देता हूँ, एक सेकेंड, ये प्रोजेक्शन लाइंस हो गई, ये सेक्शन कट हो गया, ठीक है? तो O7 को जहां पर कट किया सेक्शन प्लेन ने वो पॉइंट बी है। कैन यू सी दिस, यस राइट? सो यहां पर आपको पॉइंट बी मिल जाएगा O7 को जहां पे कट किया। सिमिलरली आगे आप बढ़ेंगे तो O6 को जहां पे कट करेंगे वहां पे पॉइंट सी मिल जाएगा, तो O6 को जहां पे कट किया वो पॉइंट हमको सी मिल गया, ठीक है? फिर इसके बाद आगे इस वाले पॉइंट पे कहीं नहीं मिलेगा तो आप एक जनरेटर लाइन इसके आसपास कहीं पे बना लीजिए और उसको प्रोजेक्ट कर दीजिए, इसको बगल में कहीं पे बना लीजिए और उसको प्रोजेक्ट कर दीजिए। जहाँ पे आपको ये पॉइंट मिलेगा, ये जनरेटर लाइन अगर मैं बनाता हूँ, मुझे प्रोजेक्शन लेना पड़ेगा इसका, पॉइंट नंबर 5 के बगल में ये एक पॉइंट है जो यहाँ कहीं आ रहा है इस जगह पे, ये जनरेटर लाइन है मेरी, इस जनरेटर लाइन पे जहाँ पे कट करेगा वो हमें पॉइंट मिल जाएगा, नेक्स्ट पॉइंट कहीं यहाँ पे। सिमिलरली नेक्स्ट जनरेटर लाइन पे जब हम आएंगे तो वो बेस पे ही मिल जाएगा, विच मीन्स कि ये जितने पॉइंट्स हैं इनको जब हम मिला देंगे तो हमें हमारा सेक्शन प्लेन मिल जाएगा। कैन यू सी ऑल दिस, यस सर, राइट? तो इसको आप कर्व के थ्रू मिला दीजिए, ज्योमेट्री के अंदर ही रहना चाहिए, ज्योमेट्री के बाहर नहीं जाना चाहिए ये कर्व, क्योंकि सेक्शन प्लेन कभी भी कट होगा तो ज्योमेट्री के बाहर नहीं भागेगा, यू अंडरस्टैंड? यस सर, हाँ, तो वो ध्यान रखना पड़ेगा आपको। आप ऐसा मत करिएगा कि फ्री हैंड कर्व आप मिला रहे हो और ज्योमेट्री के ही बाहर चला गया वो, तो ये कहीं यहाँ पे आ जाएगा, फिर एक और हम कर्व बनाएंगे वो यहाँ आएगा। थोड़ा सा स्मूथ कर्व होता है ये, अभी हम क्योंकि इस पे ड्राफ्ट कर रहे हैं तो उतना स्मूथ नहीं है, फिर जब हम और कर्व बनाएंगे तो कुछ ऐसा आ जाएगा, फिर ऐसे करके इस तरह से जब आप एक्चुअल में बनाएंगे तो ये एक पैराबोलिक कर्व आ जाएगा। यहाँ पे ये जो स्मूथ नहीं है, इसको अगर हम स्मूथ बनाना चाहें तो ये कुछ
इस तरह से कर्व आ जाएगा। कैन यू सी दिस? यस अब इसको आप चाहे तो हैश कर दीजिए। ये उससे ज़्यादा आसान केस है जो पहला केस हमने किया था जिसमें कि परपेंडिकुलर टू बीपी था सेक्शन प्लेन। ये आपका सेक्शन प्लेन आ जाएगा, इसका स्केल चेंज कर देते हैं। ठीक है, बन जाएगा। ये लाइन आपकी डॉटेड हो जाएगी क्योंकि ये लाइन ऑलरेडी बाहर जा रही है, तो इस लाइन को यहां से यहां तक डॉटेड बनाना पड़ेगा, यहां से यहां तक जहां तक ये कट हो रही है, ये लाइन डॉट होगी। इस तरह से सेक्शन प्लेन को आप डार्क करना चाहें डार्क कर दें। कर लेंगे इस तरह से। अभी तक हमने सिंगल सॉलिड का प्रोजेक्शन देखा, अब हम अगर दो सॉलिड को एक साथ प्रोजेक्ट करेंगे तब क्या होगा वो हमें केस समझना है। ये एक सॉलिड है जिसको हमने, एक क्यूबॉइड है जिसको हमने अभी इस समय परपेंडिकुलर पोजीशन में रखा हुआ है। जब हम प्लान में देखेंगे तो प्लान में, वेट, प्लान में अगर हम अभी देखेंगे तो हमें प्लान में ये एक स्क्वायर की तरह दिखेगा। ठीक है, यस और नहीं नो? दिख रही, स्क्रीन नहीं दिख रही? ओके, वेट वेट वेट। यस, तो अभी तक हम प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड में सिंगल सॉलिड्स का प्रोजेक्शन देख रहे थे। अगर हमें मल्टीपल सॉलिड्स को एक साथ इंटरसेक्ट करा के प्रोजेक्शन देखना है तब क्या केस होगा? फॉर एग्जाम्पल, ये एक केस है जिसमें यहाँ पर एक क्यूबॉइड है और एक क्यूबॉइड कुछ इस तरह का है। अभी हम सिंगल क्यूबॉइड को देखते हैं कि इस क्यूबॉइड को अगर हमने परपेंडिकुलर पोजीशन में रखा है तब क्या केस बनता है। तो कुछ इस तरह का केस बनेगा जिसमें एचपी में हमें क्या दिखेगा, एक एचपी में क्या दिख रहा है? हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, यस सर, यस सर। तो एचपी में क्या दिखेगा इस केस में? राइट, स्क्वायर दिखेगा। और अगर हम इसको वीपी में देखेंगे तब हमको क्या दिखेगा एलिवेशन में? एक क्यूब दिखे, सॉरी, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल दिखेगा। ठीक है, यस सर। तो ये हो गया सिंपल केस। अगर इस सिंपल केस में मैं कहूँ कि सिंपल केस में एक क्यूबॉइड को दूसरे क्यूबॉइड से हम इंटरसेक्ट कराने कराते हैं, अगर समथिंग लाइक दिस किसी हाइट पे, वेट, इस तरह का कोई केस है जो बहुत सिंपल है जिसमें कि दोनों परपेंडिकुलर क्यूब हैं, और मतलब एचपी से भी परपेंडिकुलर है, वीपी से भी परपेंडिकुलर है, और किसी एक लेवल पे इंटरसेक्ट करें, लेट्स से मिडिल ऑफ द एक्सिस पे इंटरसेक्ट करें, तो कुछ इस तरह की ज्योमेट्री बन पाएगी सामने से। राइट, यस सर, प्लान में जब देखेंगे इसको तो ये कुछ इस तरह की ज्योमेट्री दिखेगी हमको, एक स्क्वायर बीच में और दो साइड में छोटे रेक्टेंगल उससे अटैच। यस और नो? यस तो सर, दिस इज, यस सर। ये बेसिक केस है जो कि एग्जाम में नॉर्मली नहीं आता है, ये बहुत बेसिक केस है। तो अगर हमारे केस में जब हम एग्जाम के हिसाब से प्रिपेयर कर रहे होंगे तो एग्जाम में वो ये कह सकता है कि एक क्यूबॉइड है जिसकी की दो साइड्स 45 डिग्री पे हैं या इक्वल एंगल टू एच वी पी हैं, दो 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 प्लेन्स, दो वर्टिकल प्लेन इक्वल एंगल टू वी पी हैं। तो इक्वल एंगल टू वी पी तभी हो पाएंगे जब वो 45 डिग्री पे होंगे। अगर मैं इस क्यूब को रोटेट करने की कोशिश करता हूँ, लेट्स से समथिंग लाइक दिस, अभी इस केस में ये कोई एंगल है लेट्स से 22.5 या कुछ ऐसा, ये 30 डिग्री हो गया और ये एंगल 45 डिग्री हो गया। तो 45 डिग्री में जो भी क्यूब है उसका दोनों फेसेस वो इक्वल एंगल पे होंगे वीपी से। यस और नो? यस सर,
राइट, तो ये एक केस होता है। यस सर। सिमिलरली वो कह सकता है कि इसी तरह से जो दूसरा क्यूब है जो कि परपेंडिकुलर टू, जिसका कि हॉरिजॉन्टल फेस इज परपेंडिकुलर टू एचपी एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन इज पैरेलल टू वीपी, पैरेलल टू वीपी एंड परपेंडिकुलर टू एचपी, राइट। प्रिज्म का जो लॉन्गर प्लेन है, जो जो बिगर प्लेन है, राइट। और वो अगेन यही कहता है कि ये जो एंगल है इसके दो फेसेस अगेन दे मेक इक्वल एंगल फ्रॉम वीपी एंड एचपी। तो उस केस में अगेन हमें क्यूब को 45 डिग्री पे रोटेट करना पड़ेगा। थोड़ा सा अभी समझने में आई थिंक हो सकता है इश्यू हो, हम दो तीन बार रिपीट करेंगे, देन यू विल गेट टू अंडरस्टैंड, बिकॉज आई अंडरस्टैंड थोड़ा सा जो है। वेट, ये जो एक केस है जिस केस में इस क्यूब को कि दोनों जो साइड्स हैं वो इक्वल एंगल बना रही हैं वीपी से और एचपी से भी, इतना समझ आ रहा है कि नहीं? बाकी हम फिर और कुछ नहीं समझना है, सिर्फ इतना समझिए कि क्या इस क्यूब की दोनों साइड्स जो उसका बेस है उसकी दोनों साइड्स एचपी और वीपी से इक्वल एंगल बना रही हैं, यस और नो? राइट। अब मैं कोशिश करता हूँ कि दोनों क्यूब को इंटरसेक्ट करवाने की। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो इसकी एक्सिस है उसके मिडिल पे दोनों इंटरसेक्ट करते हैं, तो मिडिल पे इंटरसेक्ट करेंगे तो क्या केस बनता है, लेट अस सी। प्लान में हम इसको मूव करते हैं इस तरह से, ठीक है। फिर इसके बाद वी इंटरसेक्ट समथिंग लाइक दिस, एंड एकदम मिडिल पे आने के लिए थोड़ा सा हमें और इसको पीछे मूव कराना पड़ेगा। राइट, तो ये क्या हुआ, ये दोनों क्यूब ने क्या किया, इंटरसेक्ट किया एक्सिस के मिड पॉइंट पे। तो इसकी एक्सिस कहाँ पे होगी, यहाँ कहीं मिड पॉइंट पे, और इस वाले क्यूब की एक्सिस कहाँ पे होगी, यहाँ कहीं मिड पॉइंट पे, और दोनों ने क्या किया, हेलो? यस सर। कैन यू अंडरस्टैंड द इंटरसेक्शन ऑफ बोथ क्यूब्स? अगर मैं इसको अलग कलर देता हूँ, लेट अस से इसको मैं, yes, now, yes, now can you see this? Yes sir। अगर ये दोनों क्यूब बराबर साइज के होंगे तब तो ये मिड पॉइंट पे यहाँ पर आकर के मिलेगा। अगर मैं इस क्यूब का स्केल थोड़ा सा छोटा कर दूं, अब क्या होगा, ये इस साइड के पहले ही जाकर के कहीं पे इंटरसेक्ट करके ऐसे कुछ केस बनेगा जिसमें ये मिड पॉइंट पे यहाँ पे इससे बीच में गैप रहेगा, राइट। इस क्यूब का स्केल छोटा है, इस क्यूब का स्केल बड़ा है, ये क्यूब की साइड्स बड़ी हैं, ये क्यूब की साइड्स छोटी हैं, तो ऐसा केस बन जाएगा, yes, sir, है ना। अब क्या हुआ, अभी तो ये केस था कि जिसमें दोनों की जो एक्सिस थी वो बिल्कुल मिडिल पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही थी, तब ये केस बन रहा है जिसमें कि एलिवेशन में हमें ये कुछ ऐसा दिख रहा है, और इसी को जब हम प्लान में देखेंगे तो प्लान में ये हमें कुछ ऐसा दिखेगा जिसमें बीच में एक स्क्वायर दिखेगा और इस तरह के हमें लाइंस दिखेंगी। बट इस केस में हमें इसका साइड एलिवेशन भी बनाना पड़ेगा। वेट,
जो कि कुछ ऐसा दिखेगा। वेट, समथिंग लाइक दिस। कैसे बनाएंगे, प्रोजेक्शन कैसे करेंगे वो तो हम भी बताएंगे, बट ये कुछ ऐसा दिखेगा। कैन यू सी दिस साइड एलिवेशन में? यस और नो? हेलो, यस सर। ठीक है। तो ये एक केस, ये बेसिक केस है जिस केस में दो क्यूबॉइड हैं जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक्सिस के बिल्कुल सेंटर पे। एक और केस इसमें हो सकता है कि जब ये क्यूब थोड़ा सा एक्सिस से आगे या पीछे हो। प्लान की बात करें तो प्लान में आएंगे आप, प्लान में जब ये क्यूब थोड़ा सा एक्सिस, यहाँ पे बीच में एक्सिस है, अभी दोनों की एक्सिस सेम जगह पे, अगर ये एक्सिस से थोड़ा सा पीछे हो जाएगा तो क्या केस बनेगा, और थोड़ा सा आगे हो जाएगा तब क्या केस बनेगा। पहले देखते हैं कि पीछे हो जाएगा तब क्या केस बनेगा। जब ये एक्सिस से पीछे हो जाएगा तो कुछ इस तरह का केस बनेगा जिसमें हमें पीछे वाली फेस नहीं दिखेगी। या वन ऑफ द प्रिज्म इज, या वन ऑफ द प्रिज्म रेस्ट ऑन एच पी, ऑन एच पी, ऑन वन ऑफ इट्स फेसेस, वन ऑफ इट्स फेसेस ऑफ साइज लेट्स से 3.5 सेंटीमीटर इंटू थ्री पॉइंट ऑफ साइड, साइड कर देते हैं, ऑफ साइड 3.5 सेंटीमीटर विद फेसेस ऑफ साइड 3.5 सेंटीमीटर, द एक्सिस ऑफ द प्रिज्म इज 6 सेंटीमीटर लॉन्ग, राइट? द प्रिज्म इज रेस्टिंग, द प्रिज्म इज प्लेस्ड या रेस्ट ऑन एच पी, रेस्ट ऑन एच पी इन सच अ मैनर दैट बोथ ऑफ इट्स वर्टिकल फेसेस, बोथ कह लीजिए या ऑल ऑफ इट्स वर्टिकल फेसेस, ऑल ऑफ इट्स वर्टिकल फेसेस मेक इक्वल एंगल, इक्वल एंगल फ्रॉम वीपी। इक्वल एंगल मतलब 45 डिग्री पे दोनों बना लेंगे, जैसा कि केस हमने डिस्कस किया था। समझ आ गई बात? यस सर। फिर इसके आगे और क्वेश्चन कहेगा, क्वेश्चन कहेगा अ सेकेंड प्रिज्म, स्क्वायर प्रिज्म ऑफ साइड लेट्स से इस केस में उसका 3.5 है, तो इसमें 3 सेंटीमीटर इज इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग द फर्स्ट प्रिज्म परपेंडिकुलरली, परपेंडिकुलरली इन सच अ मैनर दैट ऑल ऑफ इट्स परपेंडिकुलर ऑल ऑफ इट्स फेसेस इंटरसेक्टिंग विद द फर्स्ट प्रिज्म मेक इक्वल एंगल फ्रॉम वीपी एंड एचपी, द एक्सिस ऑफ द प्रिज्म इज से 6 सेंटीमीटर लॉन्ग।
कुछ इस तरह से क्वेश्चन आता है, राइट? हेलो, यस सर, क्वेश्चन समझ आया आपको? एक बार और क्वेश्चन थोड़ा सा पढ़ लीजिए, तब फिर हम आगे डिस्कस करेंगे। सो द प्रोजेक्शन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू स्क्वायर प्रिज्म हमें ड्रॉ करने हैं। एक प्रिज्म है जो एचपी पे रेस्ट कर रहा है विद वन ऑफ इट्स साइड्स 3.5 सेंटीमीटर, एक्सिस की जो डिस्टेंस एक्सिस की जो लेंथ है दैट इज 6 सेंटीमीटर, एंड ऑल इट्स वर्टिकल फेसेस मेक इक्वल एंगल फ्रॉम वीपी। फिर कहता है कि सेकेंड स्क्वायर प्रिज्म ऑफ साइड 3 सेंटीमीटर इज इंटरसेक्टिंग विद द फर्स्ट प्रिज्म perpendicularly in such a manner that all of his faces intersecting with the first prism make equal angle from VP and HP both, right? Yes or no? और यस distance दे सर, सकता है, इसी के बीच में distance भी दे सकता है कि the intersecting with the perpendicularly at the middle point of the axis. इस तरह से, या यही क्वेश्चन हो सकता है, स्क्वायर प्रिज्म ऑफ बेस साइड जैसे 50 mm या 35 mm इज रेस्टिंग ऑन इट्स बेस ऑन एचपी एंड इट इज कंप्लीटली पेनिट्रेटेड बाय अनदर स्क्वायर प्रिज्म ऑफ बेस साइड 40 mm सच दैट द एक्सिस ऑफ बोथ द प्रिज्म इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल एंड फेसेस ऑफ बोथ द प्रिज्म आर इक्वली इंक्लाइंड टू द वीपी। ड्रॉ द प्रोजेक्शन। अगर मैं इसी को स्पेल आउट थोड़े दूसरे तरीके से करूं तो एक क्वेश्चन सेम क्वेश्चन में ये भी कह सकता है, जैसे स्क्वायर प्रिज्म ऑफ बेस साइड जैसे 35 mm या जो भी है 3.5 सेंटीमीटर रेस्टिंग ऑन इट्स बेस ऑन एचपी, राइट? फिर ये आगे कहेगा इट इज कंप्लीटली, कंप्लीटली का मतलब वन फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड। अगर कंप्लीटली नहीं होता तो कहीं बीच में इंटरसेक्ट करता है, बट नॉर्मली आपके केस में सारे केसेस में कंप्लीटली पेनिट्रेट ही करेगा, पेनिट्रेटेड बाय अनदर स्क्वायर प्रिज्म ऑफ बेस साइड से 40 mm या जो भी या 30 mm 35 या 30 mm कर देंगे, सच दैट द एक्सिस ऑफ बोथ द प्रिज्म्स इंटरसेक्ट with each other at right angle, each other at right angle, ठीक है, and faces of both prisms, are equally inclined क्वेश्चन लिख रहे हैं कि नहीं आप लोग टू द वीपी। फिर ये क्या देगा, ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ द कॉम्बिनेशन एंड द इंटरसेक्शन, जो भी इंटरसेक्शन लाइंस आती है वो सारी। तो ये क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन सेम ही बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि अगर वो इक्वल एंगल बना रहे हैं वीपी से, तो हमें प्रोजेक्शन पहले बनाना पड़ेगा कि बेस केस का के प्रोजेक्शन क्या होता है। अगर बेस केस का प्रोजेक्शन हम पहले ड्रॉ करेंगे, सबसे पहले रेफरेंस लाइंस को हम यहाँ से कॉपी करके लाते हैं। दीज आर आवर रेफरेंस लाइन।
जब हम प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड या इंटरसेक्शन ऑफ सॉलिड जब कर रहे होते हैं तो इस केस में हमें मोस्टली साइड एलिवेशन बनाना पड़ता है, क्योंकि कई बार केस में एचपी या वीपी से प्रोजेक्शन नहीं मिल रहे होते हैं, तब हमें साइड एलिवेशन से प्रोजेक्शन लेकर के आने पड़ते हैं। इज इट ओके? राइट, तो फर्स्ट हम बेस केस बनाते हैं। बेस केस में एक रेक्टेंगल है, जो एक आपका स्क्वायर है, जो कि लेट्स से ये आपका 35 बाई 35 mm का एक स्क्वायर है बेस केस में। अगर ये इक्वल प्लान में, जब मैं कर रहा हूँ, अगर ये इक्वल एंगल बना रहा है तो मैं इसको रोटेट कर देता हूँ 45 डिग्री पे। इस तरह का आप बेस केस बनाएंगे। इसको हम नॉमिनक्लेचर भी कर लेते हैं अभी। तो एक मैं वेट, तो अगर मैं ऊपर वाले फेस को बोल रहा हूँ ए, तो नीचे वाले फेस को मैं बोलूंगा 1। सिमिलरली अगर मैं ऊपर वाले फेस को बोल रहा हूँ यहाँ पर बी, नीचे वाले फेस को मैं नाम दूंगा 2। फिर ऊपर वाले फेस को अगर मैं बोल रहा हूँ सी, तो नीचे वाले फेस को मैं बोलूंगा 3। सिमिलरली ये है डी एंड ये 4। ये समझ आ गया आपको इतना? ये बेस केस है जिसमें हमने एक प्रिज्म बनाया हुआ है। अगर मैं इसको प्रोजेक्ट कर रहा हूँ वीपी में, प्रोजेक्शन लाइन कुछ ऐसे आएंगी। आप लोग साथ साथ ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं कि नहीं? कॉपी पे ही चलेगा, यस और नो? यस सर। कि रामायण चल रही है, लास्ट में बस जयराम जी की बोलना है। इस तरह का प्रोजेक्शन आएगा। अगर मैं थोड़ा सा इसको डार्क कर दूं आपके रेफरेंस के लिए, तो समथिंग लाइक दिस, कैन यू सी दिस? ऐसा आएगा। यस सर। यहां तक तो आप इमेजिन कर पा रहे हैं, राइट? अब हमें नॉमिनक्लेचर बताइए। ऊपर हम अगर ऊपर वाले फेस को लिख रहे हैं तो यहाँ पे क्या नाम आएगा, कौन सा पॉइंट होगा? ये तो ऊपर वाला फेस, ये क्या नाम होगा? जारी नहीं सी एंड ए, राइट। है। और ये वाला पॉइंट कौन सा होगा? बी, राइट। और यहाँ पे कौन सा पॉइंट होगा? डी। और उसी के करस्पॉन्डिंग नीचे 4 पॉइंट होंगे। ये हो जाएगा आपका 3 एंड 1, ये हो जाएगा आपका 2, एंड दिस बिकम्स योर 4। इस तरह से। अब ये दूसरा केस में, अगर आप इसका साइड एलिवेशन भी अभी अगर ड्राफ्ट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, बट लेट अस मेक दी अदर वो स्क्वायर आल्सो, स्क्वायर प्रिज्म आल्सो, एंड देन वी विल मेक दी साइड एलिवेशन। तो दूसरे केस में वो कह रहा है कि दोनों की एक्सिस के मिड पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जो कि हमने स्केचअप में भी डिस्कस किया था। तो लेट अस मेक अनदर इंटरसेक्शन। कायदे से होना ये चाहिए कि आप इसका यहाँ पे साइड एलिवेशन में उसको ड्राफ्ट करें, एंड देन यू ट्रांसफर इट टू दी फ्रंट एलिवेशन। बट लेट अस मेक इन द प्लान फर्स्ट। तो प्लान में अगर मैं बेस केस का रेक्टेंगल बनाता हूँ, तो एक रेक्टेंगल आएगा जिसकी एक्सिस 600 mm है, और साइड्स कितनी दी थी? साइड कितनी दी थी? 3 सेंटीमीटर। यस, 3 सेंटीमीटर। तो या तो आप 3√2 करिए, क्योंकि इस केस में ये जो अगर हम स्क्वायर को, एक सेकेंड मैं, यस, तो जब हम बात कर रहे हैं कि ये जो दूसरा वाला क्यूब है, अगर क्यूबॉइड है, ये भी अगर रोटेटेड है, इन दैट केस जो हम इसके प्लान में लेंथ देख रहे हैं, प्लान में ये जो लेंथ है, दिस इज
साइड रूट टू, कि जो भी साइड होगी उसकी रूट टू टाइम्स ये वाली लेंथ होगी, यस और नो? यस और नो, क्योंकि ये पाइथागोरस थ्योरम से आता है ना। हेलो, यस सर। राइट। अगर मान लीजिए आपको ऐसे हमने यहाँ पे प्लान का प्रोजेक्शन बनाया, उसी तरह से अब साइड एलिवेशन में हमें एक प्रोजेक्शन बनाना पड़ेगा। बट उसके पहले हमें ये जो हमने बेस केस फर्स्ट वाला क्यूबॉइड बनाया है, उसका हमें प्रोजेक्शन भी ले जाना पड़ेगा। तो मैं फिर से क्या करता हूँ यहाँ पर, इस तरह से प्रोजेक्ट करता हूँ। और इन प्रोजेक्शन लाइन को फिर 45 डिग्री पे यहाँ पर हमें प्रोजेक्ट करना है, या फिर एक सर्किल के तौर पे भी कर सकते हैं इस तरह से, बात दोनों बराबर ही हैं। ठीक है, सही कर रहा हूँ मैं? यस सर। ये प्रोजेक्शन लाइन हम यहाँ से ले लेते हैं इस तरह से। अब अगर मुझे साइड एलिवेशन ड्राफ्ट करना है, तो मैं पहले साइड एलिवेशन में प्रोजेक्शन ये लेकर के आऊंगा, और नीचे वाला प्रोजेक्शन ऑलरेडी वहाँ पे एग्जिस्टिंग है, तो इसको भी मैच करा देते हैं। आप मुझे बताइए, पॉइंट ए यहाँ से मैं पिक कर रहा हूँ, ये पॉइंट ए गया, ये इस तरह से ऊपर चला गया, और यहाँ से भी पॉइंट ए आया, क्या ये पॉइंट ए है? यस और नो? यस राइट, तो हम इसको पॉइंट ए पे पिक कर लेते हैं, यहाँ पे पॉइंट ए मार्क करते हैं। देन यहां से मैं पॉइंट बी को लेकर के जा रहा हूँ, ये पॉइंट बी जा रहा है, यहाँ पे प्रोजेक्ट होके आ रहा है, बी यहाँ से आ रहा है, दिस बिकम्स योर पॉइंट बी। फिर पॉइंट सी को लेकर के जाएंगे, सी यहाँ से प्रोजेक्ट होकर के जा रहा है, यहाँ पे भी सी आ रहा है, तो थर्ड पॉइंट है सी, एंड फिर बी के जगह पे वो डी आ जाएगा उसके बाद में। तो ये हो जाएगा आपका पॉइंट सी, और डी बी के आगे दिखेगा, क्योंकि हमें साइड एलिवेशन में जब हम यहाँ से देख रहे होंगे तो डी पहले दिखेगा, बी बाद में दिखेगा। एम आई करेक्ट? यस और नो? इस तरह से एक लाइन आ जाएगी, फिर आप इसको प्रोजेक्शन बना लीजिए इस तरह से। सारे प्रोजेक्शंस मैं नीचे वाले पॉइंट्स को भी नॉमिनक्लेचर दे दे रहा हूँ, दिस बिकम्स थ्री। ये क्वेश्चन आएगा अगर तो ज्यादा नंबर का ही आएगा, तो इसमें थोड़ा टाइम लगता ही है, तो डोंट वरी, डोंट पैनिक। 1 2 3 4, इस तरह से ये इसका साइड एलिवेशन बन जाएगा। अब वो कह रहे हैं कि जो दूसरा वाला प्रिज्म है, वो प्रिज्म इस तरह से इंटरसेक्ट कर रहा है और एक्सिस के बीचों बीच कर रहा है, ताकि उसके जो दोनों फेजेस हैं वो वीपी से इक्वल एंगल बना रहे हैं। इन दैट केस इट विल बी समवेयर हियर, जो जो बेस केस बनेगा यहाँ पर, तो हमें इसके मिडिल पॉइंट पे यहाँ कहीं जो भी इसका सेंटर है, ये सेंटर पॉइंट है, उसको लेते हुए दूसरे उसको प्लेस करना है। वेट, समथिंग लाइक दिस, ये आपको ड्राफ्ट करना है, मैं प्लेस कर रहा हूँ, ठीक है? आई बात समझ में? बट इस केस में ये जो इसकी साइड्स हैं वो बड़ी हैं, बट हमें 35 का बनाना है, तो हमें फिर से बनानी पड़ेगा। सॉरी, मैं स्क्वायर बना रहा हूँ, 300 बाय 300 mm, या 30 बाय 30, सॉरी 30 mm बाय 30 mm का, ठीक है? इसको 45 डिग्री पे मैं रोटेट कर रहा हूँ, आर ओ। पॉइंट
45 डिग्री पे हमने इसको रोटेट कर दिया। अब इसको हमें सेंट्रली प्लेस करना है, यहाँ जो ये क्यूब है इसके एक्सिस के सेंटर पे, ये सेंटर आ रहा है एक्सिस का, इस वाले क्यूब का और सॉरी क्यूबॉइड का, और यहाँ पे सेंटर आ रहा है ये इस तरह से। ये हमारा दूसरा क्यूबॉइड प्लेस है, इसको मैं दूसरा कलर दे देता हूँ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये बात समझ आ गई यहाँ तक? अभी सिर्फ हमने दूसरे क्यूब को या दूसरे प्रिज्म को सिर्फ और सिर्फ साइड एलिवेशन में प्लेस किया है, अभी ना प्लान में प्लेस किया है और ना ही एलिवेशन में या वीपी में प्लेस किया, ना एचपी में प्लेस किया ना वीपी में प्लेस किया, सिर्फ और सिर्फ कहाँ प्लेस किया है? साइड एलिवेशन में, क्योंकि साइड एलिवेशन में हमें उसकी ट्रू लेंथ दिख रही है। एचपी में भी हमें उसका प्रोजेक्शन दिखेगा और वीपी में भी प्रोजेक्शन ही दिखेगा सिर्फ। आई बात समझ में? यस सर। इसको फिर से नॉमेनक्लेचर करना पड़ेगा, yes, इसको हम नॉमेनक्लेचर भी दे दें यहाँ पर, तो वो ए बी सी डी है, तो इसको हम लेकर के चलते हैं पी क्यू आर एस। सो दिस बिकम्स योर पी एंड देन रोमन वन, मैं इसको कर देता हूँ एंड इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। फिर दूसरा जो पॉइंट होगा क्यू एंड रोमन टू, तीसरा जो पॉइंट होगा आर रोमन थ्री, और जो चौथा पॉइंट होगा वो हो जाएगा एस एंड रोमन फोर। यहां तक आप लोग को सबको समझ आ रहा है? यस सर। अब हम प्रोजेक्शन वापस यहाँ पे लेकर के आएंगे कि बेस केस में यहाँ क्या प्रोजेक्शन बन रहा है और यहाँ पे क्या प्रोजेक्शन बन रहा है। तो अगेन इसका प्रोजेक्शन हमें लेकर के आना है वीपी में भी और एचपी में दोनों। तो ये मैं इसको अलग कलर दे दे रहा हूँ, मैं इसको कर दे रहा हूँ मैजेंटा बना देता हूँ क्या? हाँ मैजेंटा बना देता हूँ, ये रेड कलर के प्रोजेक्शन है। तो जो ये वाला ज्योमेट्री है उसके प्रोजेक्शन यहाँ पे आ रहे हैं, उसी के प्रोजेक्शन हमें एचपी में भी लेकर के आने हैं, तो वर्टिकल प्रोजेक्शन भी होगा। तो पहले यहाँ का प्रोजेक्शन देख लेते हैं, यहाँ पे किस तरह से प्रोजेक्शन आ रहा है, और फिर उसके बाद हमें सॉरी 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 ये प्रोजेक्शन सबसे पहले हमें देखना, कहीं पे भी देख सकते हैं आप, एचपी में भी ले सकते हैं और वीपी में भी ले सकते हैं, तो यहाँ पे भी ले सकते हैं और यहाँ पे भी ले सकते हैं। अगर आप यहाँ पे ले रहे हैं तो एक्सेस आपको पता है इसकी 60 सेंटीमीटर लॉन्ग है और सेंटर में वो बाइसेक हो रही है, मतलब 30 सेंटीमीटर इस तरफ और 30 सेंटीमीटर इस तरफ। एम आई करेक्ट? यस और नो? यस यस और नो? यस सर। राइट, तो मैं यहाँ से 300 सेंटीमीटर पे एक पॉइंट मार्क कर सकता हूँ। एक्चुअली हम एक काम करते हैं, पहले इसको एचपी में करते हैं, थोड़ा सा कन्वीनियंट ज्यादा होगा, वीपी से हटा देते हैं। एक्सेल एंटर, और इसको मैं नीचे लेकर के जा रहा हूँ। थोड़ा सा ये आपको बिना प्रैक्टिस के नहीं समझ आएगा बिल्कुल भी, इसलिए मेरे साथ साथ या तो आप प्रैक्टिस करते रहिए, और जो कन्फ्यूज़न होगा वो हम अभी भी डिस्कस करेंगे, बाद में भी करेंगे, बट बिना प्रैक्टिस के ये थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। फिर हम यहाँ से इसके प्रोजेक्शन ले लेते हैं इस तरह से, ज़रूरी नहीं आप सर्किल बनाएं, यहाँ से यहाँ तक की जो लाइन भी होगी वही वो भी इसी पॉइंट पे आएगी। आई होप यू नो दैट, राइट? यस और नो? यस सर। है ना, तो वो सेम ही चीज़ है, चाहे आप लाइन से कर लीजिए और चाहे सर्किल से कर लीजिए। यहाँ से मैं प्रोजेक्शन लेके आता हूँ यहाँ तक, फिर मैं प्रोजेक्शन लेके आता हूँ यहाँ तक, तो ये पॉइंट्स मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूँ जिनको मैं अब हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट करूँगा, यहाँ से यहाँ तक। फिर ये दूसरा पॉइंट है जो मेरा, वो यहाँ कहीं आ रहा है, एक्चुअली तो ये सेम एक्सिस पे ही आ जाना चाहिए, ये अलग से क्यों आ रहा है, सेम एक्सिस पे ही आएगा क्योंकि वो एक ही जगह पर दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये कुछ गड़बड़ है, एक ही जगह पे लेते हैं इसको, इसको उठा के मैं इसके ऊपर कर देता हूँ, ये सेम प्रोजेक्शन आ जाएगा, और थर्ड प्रोजेक्शन हमारा यहाँ पे जो तीसरे पॉइंट्स आ रहे होंगे वो इस जगह पे आ रहे होंगे इस तरह से।
तो बीच वाला प्रोजेक्शन इंटरसेक्ट करेगा, दोनों प्रोजेक्शन इस तरह से रहेंगे। एक्सिस 6 सेंटीमीटर लॉन्ग है, यानी कि 3 सेंटीमीटर यहाँ पे है, 3 सेंटीमीटर ही है इस दूसरी तरफ है जो कि बाइसेक कर रही है यहाँ पे। तो यहाँ से मैं 3 सेंटीमीटर या 30 mm का एक लाइन खींचता हूँ, उसको वर्टिकली ड्रॉप कर रहा हूँ और एक्सटेंड करता हूँ, तो ये मेरा एक फेज आ जाएगा। और सिमिलरली इसी मैनर में मैं दूसरी तरफ का फेस ड्रॉप कर लूंगा, सॉरी। तो अगर मैं इसको रेड कलर से मार्क करता हूँ तो ये मेरा जो सॉलिड के फेजेस होंगे वो ये दोनों होंगे। प्लान में मुझे इस तरह से कुछ दिखेगा, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा होगा, उसके बाद में डॉटेड लाइन आएगी, यहाँ तक इंटरसेक्ट कर रहा होगा, उसके बाद में डॉटेड लाइन आएगी। अगर आपको बनानी है तो ठीक है, नहीं भी बनानी है तो डॉटेड लाइन की ज़रूरत नहीं है, इस तरह से कुछ होगा। सिमिलरली मैं अगर यहाँ पे देखता हूँ तो वो ये डॉटेड लाइन आएगी, ये लाइन आएगी बीच में डॉटेड लाइन, इस तरह से ये कुछ प्रोजेक्शन बनेगा, बीच में कुछ इस तरह से प्रोजेक्शन बनेगा। इन दोनों पॉइंट्स को उठा करके मैं थोड़ा ऊपर कर दे रहा हूँ। ये दोनों फॉर्म लाइन्स हमको दिखेंगी कुछ इस तरह से। नाउ कैन यू सी दिस? समझ आ रहा है? बिल्कुल नहीं आ रहा है? जी एक काम करते हैं, एक्सिस थोड़ी सी लंबी ले लेते हैं ताकि अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी अच्छी बन जाए। जो 60 सेंटीमीटर थी उसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, लेट्स से यहाँ हम 300 और ले लेते हैं और यहाँ पे भी 300 और ले लेते हैं, तो वो 60 की वो क्या सर, चीज़? यस बोलिए। अब ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग क्लियर बनेगी, ठीक है? अब जो एक्सिस इसकी 60 सेंटीमीटर लॉन्ग है और इसकी 120 मतलब 60 नहीं, सॉरी, इसकी 6 सेंटीमीटर लॉन्ग है, इसकी 12 सेंटीमीटर लॉन्ग है, ठीक है? कुछ अंडरस्टैंडिंग बनी नहीं बनी? यस और नो? नो इसको ये सर। प्रोजेक्शन नहीं समझ आया आपको? हेलो, आवाज नहीं आ रही। हेलो, सर ये रेड लाइन एक्सटेंड कैसे हुई? एक्सटेंड हमने की है, हमने एक्सिस जो उसकी जो दूसरा प्रिज्म है उसकी एक्सिस हमने 12 सेंटीमीटर की ले ली, समझाने के लिए। पहले वो 6 सेंटीमीटर थी, एक्सटेंड होनी नहीं है, वो 12 सेंटीमीटर की हमने उसकी लेंथ बढ़ा दी, ठीक है? जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, अदरवाइज वो बहुत पास पास पॉइंट आ रहे थे तो वो समझ नहीं आ रहे थे आपको। तो जो दूसरा प्रिज्म है जो कि हॉरिजॉन्टली इंटरसेक्ट कर रहा है उसकी हमने एक्सिस बड़ी कर दी, इसकी एक्सिस 60 सेंटीमीटर लॉन्ग है जो ये वर्टिकल प्रिज्म है, हॉरिजॉन्टल प्रिज्म की एक्सिस हमने 60 नहीं 6 सेंटीमीटर, और हॉरिजॉन्टल वाले की हमने 12 कर दी है। जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि पॉइंट्स सारे एक साथ एक पास ना आ जाए। यस और नो, मतलब समझ आया नहीं? हेलो, यस सर। ठीक है? आप जरा नॉमेनक्लेचर बताइए मुझे, ये वाले पॉइंट के क्या नॉमेनक्लेचर होंगे बताइए, ये पॉइंट क्या आ रहा है यहाँ मैं लेके जा रहा हूँ, ये कौन से पॉइंट्स होंगे? ये पॉइंट क्या होगा, ऊपर वाला पॉइंट क्या होगा, ये नीचे वाला पॉइंट क्या होगा बताइए। ये आपके सामने है ड्राइंग, यहाँ पे हम ऊपर से देख रहे हैं, हमारा जो विजुअल एंगल है वो ये आ रहा है, हम ऊपर से देख रहे हैं इस ड्राइंग को ऐसे, वो चीज़ हमको प्लान में दिख रही है। तो ये वाला पॉइंट जो बीच वाला है वो कौन सा पॉइंट हो सकता है? क्यों क्यू एस राइट, राइट और रॉन्ग? कोई है नहीं, क्यू एस इसको नहीं बोलेंगे हम, क्योंकि हम जब यहां से देख रहे होंगे, देखिए दो तीन चीजें हैं, विजुअल एंगल हमारा इस जगह पे यहाँ से ये बन रहा है, ये राइट? सेंटर लाइन आएगा क्यूबेस। हाँ नहीं, वो क्यू एस होगा, बट ये जो पॉइंट होएगा ये होएगा रोमन 2 एंड रोमन 4, ये वाला पॉइंट होएगा क्यू एंड एस, क्योंकि हम इस तरफ से देख रहे हैं, तो पहले जो पॉइंट हमें दिखेगा वो यहाँ पे लिखा जाएगा क्यू, और बाद में जो पॉइंट दिखा जाएगा देखेगा वो हम यहाँ पे लिखेंगे, दैट वॉज 2, रोमन 2,
नहीं आई बात समझ में? हमको पी क्यू आर एस फेज जो है वो इस तरफ से पहले दिखेगा, और रोमन वन, रोमन टू, रोमन थ्री, रोमन फोर जो फेज है वो इस तरफ से पीछे दिखेगा। तो हम ये वाला जो फेज होगा पीछे वाला, ये वाला होगा रोमन वन, रोमन टू, रोमन थ्री, रोमन फोर, और जो आगे वाला फेस होगा वो होगा पी क्यू आर एस। यस और नो? एम आई करेक्ट? नॉमेनक्लेचर नहीं समझ आ रहा है? इसको मैं कर देता हूं पॉइंट नंबर वन। हेलो, यस सर। एक बार और बताता हूँ, रुकिए वेट करिए। इसको कर देते हैं पॉइंट फोर, इसको कर देते हैं हम पॉइंट थ्री, रोमन थ्री। ये कहने का मतलब है जब हमने यहाँ पे क्यू और टू लिखा हुआ है, आर और थ्री लिखा हुआ है रोमन थ्री, एस और रोमन फोर, और पी और रोमन फोर, रोमन वन लिखा हुआ है, तो जब हम इस तरफ से देख रहे होंगे तो हमको पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस जो हमने पहले लिखे हैं वो पहले दिख रहे होंगे। दैट मीन्स कि वो ये वाला फेज है, और जो हमने बाद में लिखा हुआ है रोमन वन, रोमन टू, रोमन थ्री, रोमन फोर, वो हमें बाद में दिख रहे होंगे। दैट मीन्स कि वो पीछे वाला फेज है, फेस है। नहीं हो रही क्लैरिटी? स्केचअप में जाएं? हो गई सर। धीमे से आवाज आई, नहीं आ सर रहे? मैंने पहले आगे वाले का ही बताया था सर, मेरे को मैं अच्छा, आगे वाले को ही बता रही थी आपको। ओके ओके, ऑलराइट। सो देन वी गो हियर, तो दिस बिकम्स योर पॉइंट। इसको थोड़ा सा पास कर लेते हैं यहाँ पर। तो ये जो हमारा रोमन वन यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस बिकम्स आवर पॉइंट पी, और जहाँ पर रोमन टू एंड फोर लिखा हुआ है, टू बिकम्स आवर पॉइंट क्यू, एंड दिस बिकम्स आवर पॉइंट एस, एंड दिस इज द पॉइंट आर। और इस तरह से ये समझ आ गई इतनी बात? अब हम इसी को प्रोजेक्ट करते हैं वर्टिकली अबव, लाइक दिस। इसको मैं दूसरा कलर दूंगा, पहले मैं बेस केस बना लूं। तो ये जो मैजेंटा कलर है जिससे ये बेस केस बनेगा, अभी इसको हम मैजेंटा कलर देते हैं, और मैं यहां से प्रोजेक्ट करके भी लेकर के आ रहा हूं। ये यहाँ पे तीन लाइन बनेंगी, ठीक है? इसके बाद इसको फिर से मैं थोड़ा सा कलर इसका चेंज कर दे रहा हूँ। ये तीन कलर हैं जो यहाँ से प्रोजेक्ट होके आ रहे हैं मैजेंटा कलर से, और इसका प्रोजेक्शन हमें मैच कराना है। यहाँ पे वन टू थ्री फोर, रोमन वन टू थ्री फोर मिल रहे हैं, यहाँ से हमें रोमन वन टू थ्री फोर पॉइंट लेने हैं। तो रोमन वन हमें यहाँ मिल रहा है, रोमन वन यहाँ पे मिल रहा है, तो यहाँ पे हम पॉइंट हमें रोमन वन मिलेगा। फिर तो मैं ऊपर जा रहा हूँ, एक्चुअली थोड़ा सा आपको विजुअलाइजेशन पहले क्लियर होना चाहिए, तभी आप प्रोजेक्शन कर पाएंगे। इसीलिए मॉडल मेकिंग बहुत ज़रूरी है प्रोजेक्शन में, कि आप उस पर करके देखें कि क्या हो रहा है। यहाँ पे हमें रोमन वन मिल जाएगा, देन रोमन टू कहाँ पे है? यहाँ पे, ये रोमन टू की सेम लाइन है, रोमन टू यहाँ से लेकर के आए, ऊपर हमें रोमन टू मिल जाएगा। रोमन थ्री की लाइन ये आ रही है, यहाँ पे ये सेम लाइन है, तो वन के बाद हमें पॉइंट थ्री मिलेगा। एक्चुअली थ्री, यहाँ पे हम जब सामने से देखेंगे तो हमें वीपी में जब हम देख रहे होंगे तो हमारा विजुअल एंगल ये है, उस केस में हमें थ्री पहले दिखेगा और वन बाद में दिखेगा। तो यहाँ पे जो पॉइंट हमें मिलेगा वो थ्री पहले आएगा एंड वन बाद में आएगा, रोमन वन। यहाँ पे फोर जो पॉइंट है वो इसके नीचे आ जाएगा। आप लोग थोड़ी बहुत फ्री हैंड कर रहे हैं या बोर्ड पे कर रहे हैं? आप कहें तो मैं वेट कर लूँ थोड़ी देर, मतलब रुक करके भी हम कर सकते हैं जब तक आप इतना बना लें, या हाउ हाउ डू वी डू इट? आई मीन आई कैन वेट कि आप इतना बना लो फिर हम आगे बढ़ें इस तरह से।
टेल मी। सिर्फ ठीक है, तो शुड आई कंटिन्यू और शुड आई स्टॉप फॉर अ मोमेंट, और शुड आई पॉज, शुड आई कंटिन्यू? यस सर, ओके, यस सर। यहाँ पे जब हम आएंगे तो यहाँ पे पी क्यू आर एस फेस है, तो पी आपको यहाँ से, ये पी क्यू आर एस फेस है, पी का पॉइंट बीच में है, तो हमें यहाँ पर पी मिलेगा, आर भी मिलेगा, तो हमें यहाँ पे आर आगे की तरफ मिल रहा है, तो हम आर और पी लिख देते हैं इसको पहले। आई थिंक नाउ यू ऑल अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है। ठीक है, और जो ऊपर वाला पॉइंट है दैट इज क्यू, ठीक है, और जो नीचे वाला पॉइंट है दैट इज एस। यहाँ तक बन गया सबका? हेलो, यस ठीक है, तो अभी ये तो बेस केस हुआ, अब हमें यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी जहाँ पर हमें ये इंटरसेक्शन पॉइंट्स बनाने होंगे। इंटरसेक्शन पॉइंट बनाने के लिए ये वाला जो फेस है इस पे इंटरसेक्शन पॉइंट हमें यहाँ मिल रहा है बीच में, राइट, और पीछे वाले फेस पे यहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है और यहाँ मिल रहा है, बीच में डॉटेड लाइंस आ रही हैं, वो इंटरसेक्शन हमें जब यहाँ पे बनाना होगा दैट विल बी अ ट्रिक, दैट विल बी अ टेक्निक। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम अपना जो बेस ज्योमेट्री है उसको डार्क कर लेते हैं, यहाँ तक ये ज्योमेट्री क्लियर है जहाँ पे ये हमें लाइन मिल रही है, यहाँ तक ये ज्योमेट्री क्लियर है, यहाँ तक भी ये ज्योमेट्री क्लियर है, फ्रॉम ईयर टिल ईयर ये ज्योमेट्री हमारी क्लियर है। अब जहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रही है वहाँ पे हमें प्रोजेक्शन लेने हैं, इस फेस पे ये प्रोजेक्शन आ रहा है, अगर मैं इसको कॉपी करूँ यहाँ से ये पॉइंट और ये पॉइंट, इसको मैं देता हूँ कलर ग्रीन कर लें, चलेगा? ऑलराइट, तो अब मैं इसको ग्रीन में प्रोजेक्ट कर रहा हूँ जो ये प्रोजेक्शन पॉइंट्स आ रहे हैं। अच्छा, बहुत समझने वाली बात है कि ये जो एज आ रही है B2 है या D4 है, जितनी भी ये वाली एज है यहाँ पे तो पॉइंट मिक्स हो रहे हैं, तो जहाँ तक ये पॉइंट जा रहे हैं वो पॉइंट्स तो अपनी जगह पर फिक्स रहेंगे। किन पॉइंट्स की बात करूं मैं जहां पर ये एज को ये पॉइंट्स इंटरसेक्ट करें, ये सारों चारों पॉइंट्स ये तो अपनी जगह पर फिक्स हैं, बस जो बीच वाले मिडिल वाले पॉइंट हैं जो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये जो पॉइंट्स हैं इनको हमको मार्क करना पड़ेगा इस केस में। अगर ये एक्सिस से थोड़ा बहुत डेविएट होते हैं, मतलब दोनों एक दूसरे को सेंट्रल एक्सिस के बीच में नहीं कट कर रहे होते, तब हम दूसरी तरह से मार्किंग करते, तब पॉइंट डेविएट करते, पॉइंट्स और ज्यादा मिलते हमको। को हम यहाँ लेके जाएं, ये जो चार पॉइंट्स हैं, ये चार पॉइंट्स हमें लोकेट करने हैं, इनको अगर हम नोमेनक्लेचर करना चाहें तो लेट अस से कि इनको हम नोमेनक्लेचर देते हैं, इसको हम बोलते हैं ए ए, स्मॉल ए ये वाला छोटा पॉइंट है, इसको हम बोलते हैं स्मॉल बी, ठीक है। आप कोई और भी नोमेनक्लेचर कर सकते हैं, सिर्फ स्मॉल ए स्मॉल बी भी ले सकते हैं, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड बेटर। ये मैं इस तरह से कर रहा हूँ, सी सी कर लेते हैं इसको, डी और डी कर लेते हैं, ठीक है। ये ये पॉइंट का नोमेनक्लेचर समझ आ गया? नहीं? हेलो हेलो, यस सर, राइट, तो ये जो डी पॉइंट मिलेगा ये हमको, ये वाला लाइन है जो जो मिडिल पॉइंट है, यहाँ से अगर हम प्रोजेक्शन लेंगे तो क्या ये वाली लाइन पे मिलेगा जो हमारा डी पॉइंट है? क्या हमें दोनों के इंटरसेक्शन पे ये पॉइंट मिलेगा जो मैंने दोनों लाइन हाईलाइट कर रखी है, पॉइंट नंबर डी डी एंड बी बी? देख के बताइए, ये पॉइंट डी डी जो है, ये जो लाइन है इसका प्रोजेक्शन यहाँ पे आएगा साइड एलिवेशन में, इसको मैंने हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया है वर्टिकल प्लेन में, सिमिलरली इस पॉइंट को मैंने प्रोजेक्ट किया है वर्टिकल प्लेन में, इन दोनों का जो जंक्शन होगा क्या वो मुझे पॉइंट डी डी और बी बी दे, बी बी और डी डी का प्रोजेक्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा? यस सर, नहीं समझ आया क्या? कंफ्यूज हो गए? यस सर, आ रहा है सर। आ रहे हैं, अच्छा ठीक है, तो यहाँ पर हमें प्रोजेक्शन मिलेगा पॉइंट बी बी एंड डी डी का,
हम इसको एक काम करते हैं, ज़्यादा नहीं लिखते, नहीं तो दो दो पॉइंट हो जाएंगे। इसको सी और डी बोल देते हैं, इसको स्मॉल ए स्मॉल बी ही बोल देते हैं। ठीक है, तो जो ये प्रोजेक्शन जा रहा है डी और बी पॉइंट का, स्मॉल ए स्मॉल बी का, और यहाँ से जो प्रोजेक्शन आ रहा है जिस लाइन पे ये लाई करेंगे, दोनों को जहाँ पे मैच करेंगे वो पॉइंट हो जाएगा हमारा पॉइंट बी एंड डी, स्मॉल बी एंड स्मॉल डी। तो अगर मैं यहाँ पर लिखने की कोशिश करूँ, ये पॉइंट हो जाएगा हमारा स्मॉल डी एंड स्मॉल बी, है ना। और ये जो पॉइंट, अगर हम इसको वर्टिकली प्रोजेक्शन करेंगे और इस लाइन पे हम लाई करेंगे, तो यहाँ पे जो इंटरसेक्शन हमें मिलेगा पॉइंट, वो पॉइंट हो जाएगा हमारा ए एंड सी। सर वो बी डी नहीं होना चाहिए, आपने बी डी लिखा है। कौन सा? हाँ सॉरी, बी डी एस, सॉरी ट्रू, आप समझ में आ गया फिर। ठीक है, सो दिस बिकम्स बी डी एंड दिस बिकम्स ए एंड सी। ठीक है, तो एक पॉइंट हमको यहाँ पे मिड में ये जो मिल रहे हैं वो वाला है, सी पीछे है उसको पीछे रहने देते हैं, ए आगे है, ये इस तरह से लिखा जाएगा। अब जब हमें को इसको मैच कराना है, तो दिस लाइन गोज टिल दिस पॉइंट, क्योंकि इंटरसेक्ट कर रही है यहाँ तक, और उसके बाद वो इस वाली ज्योमेट्री के पीछे चली गई है, तो उसको हम नहीं बनाते हैं। फिर ये पॉइंट यहाँ तक आ रहे हैं, उसके बाद वो उस ज्योमेट्री के पीछे चला जा रहा है, तो उसको हम नहीं बनाने की ज़रूरत है। दिस मैचेस टू दिस लाइन, दिस पॉइंट मैचेस टू दिस पॉइंट, दिस पॉइंट मैचेस टू ईयर एंड ईयर। अब इसके बाद हुआ ये कि जब इंटरसेक्शन में ये जो ज्योमेट्री है, ये ज्योमेट्री, ये वाला जो क्यूब है, अगर ये आगे आ गया, तो हमें इतनी लाइन जो है वहां से, जो बीच की लाइन जितनी पीछे जा रही है, उसको डॉटेड बनाना पड़ेगा, विच मीन्स यहाँ से यहाँ तक एंड यहाँ से यहाँ तक, ये लाइन और ये लाइन, ये डॉटेड होंगी दोनों लाइन। कुछ इस तरह से ये प्रोजेक्शन आपका बन जाएगा बेसिक केस में, जबकि दोनों एक्सिस बिल्कुल सेंटर पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। इज इट ओके? राइट, यस ये बेस केस है, जब सर, दोनों दोनों एक्सिस एकदम इंटरसेक्ट कर रही हैं बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे। अगर थोड़ा सा आगे पीछे मूव कराएंगे तो केस अलग बनेगा, बट अभी उसको नहीं करते हैं। हम एक काम करते हैं कि सिलेंडर में ये इसी केस को समझने की कोशिश करते हैं। तो सेम केस में अगर अगर क्या होता, वो सिलेंडर होता तब क्या होता, क्या आप लोग बनाने की कोशिश करेंगे एक बार?